पूरा विश्व कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। आज से 13 महीने पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किया था। इन 13 महीनों के दौरान कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। इसकी रोकथाम के लिए कई वैक्सीन भी बनाई गई हैं और वायरस को लेकर लगातार शोध भी जारी है, तो वहीं अब इसके एयरबॉर्न होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले जब WHO के सामने वायरस के हवा में फैलने की बात कही गई थी तो उसने इस पर कुछ कहा नहीं था, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपा किया है वो काफी भयानक है। सेकेंड वेव से साबित हुआ है कि SARS-CoV-2 का प्रत्येक नया स्ट्रेन पिछले स्ट्रेन की तुलना में बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि इससे ग्रसित होने वाले मरीजों का पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो संक्रमित हो गए हैं, और इस चक्कर में मरीज का पूरा परिवार संक्रमण की चपेट में आ जा रहा है, जो कि ये साबित करता है कि वायरस हवा में फैल चुका है। अप्रैल में द लेसेंट के शोध में ये भी बात कही गई है कि वायरस एयरबॉर्न हो चुका है, जिसके बाद 30 अप्रैल को WHO ने अपनी गाइडलाइन को संशोधित करते हुए इससे वायरस के एयरबॉर्न होने की परिकल्पना को भी शामिल कर लिया है। हालांकि इससे पहले जब स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने वायरस के एयरबॉर्न होने की बात कही थी तो WHO ने कहा था कि इस थ्योरी से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। फिलहाल WHO की संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक वायरस बंद कमरे में फैल सकता है, बिना हाथ साफ किए आंख नाक और मुंह को छूने से भी इंसान संक्रमित हो सकता है। हालांकि वायरस के संक्रमण पर लगातार मंथन जारी है। एयरबॉर्न होने के बाद सामने आने के बाद डॉक्टरों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इंसान घर पर भी मास्क लगा कर रहे। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।